तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेस रिकॉग्निशन या फिर फेस रिकॉग्निशन ये क्या है, कैसे काम करता है, ये फेस रिकॉग्निशन कैसे हमारे एक एंड्रॉयड फ़ोन को अनलॉक कर देता है या फिर किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर देता है, क्या ये इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है या फिर नहीं है, हार्मफुल तो नहीं कह सकते हैं, यूज़फुल ही होगा, और कितना इसका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको फेस रिकॉग्निशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। फेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो अभी तो आईफोन एक्स में फेस आईडी भी आ गया है। फेस रिकॉग्निशन की हम स्टार्टिंग से बात करते हैं जब से ये पहली बार बनाया गया था। तो सबसे पहला फेस रिकॉग्निशन डिवाइस बनाया गया था 1960 में बॉडी ब्लेकिन और फिर हेलेन चार्ल्स के थ्रू बनाया गया था, जो कि इतना एडवांस नहीं था। वो सिर्फ करता था आपके फेस, अगर किसी व्यक्ति का फेस वहाँ पे दिखा दिया एक बार उस डिवाइस ने, तो वो उस व्यक्ति के सिर्फ नोज़, ईयर, आइज और फिर लिप्स पर 4-5 पॉइंट बना देता था, जिससे वो मेज़र कर लेता था कि हाँ यही है वो शख्स जिससे 4-5 पॉइंट बना दिए जाते थे। और जब वो व्यक्ति दोबारा से उस डिवाइस के सामने जाता था तो वो ऑटोमेटिकली उसका लॉक कर देता था, या फिर कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जाता था तो लॉक हुआ डोर भी ओपन हो जाता था। इसी के लिए पहले ये यूज़ हुआ करते थे। लेकिन आजकल जो फेस रिकॉग्निशन आ रहा है वो हर फ़ोन में आने वाला है और हर फ़ोन में ही इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ अभी के जो स्मार्टफोन है, S8 है, S8 प्लस है, Note 8 है और फिर जो आईफोन एक्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, वो फेस आईडी है। अब फेस रिकॉग्निशन की बात करने वाले हैं। अभी आप पूछेंगे काम कैसे करता है। काम करने के लिए अगर आपके फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन आईडी है, मैं फ़ोन का ही एग्जांपल लूँगा, फेस रिकॉग्निशन है AI टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो वो आपके ऊपर कह सकते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट आपके ऊपर एक लाइट डालेगा जिसके थ्रू आपके जो फेस में जो नोज़ है, नोज़ के नीचे लिप है, मतलब ये नोज़ है, नोज़ के नीचे लिप है, ये कितनी गहराई पर है और ये चीक है ये कितनी ऊंचाई पर है और आँख आपकी कितनी गहराई पर है, आपका माथा कितनी गहराई पर, कितनी ऊंचाई पर है, माथे से नाक तक की दूरी कितनी है, कान से नाक तक की दूरी कितनी है, वो सब एक स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद जब वो व्यक्ति दोबारा उस कैमरे के सामने या फिर उस डिवाइस के सामने जाता है तो वही पॉइंट मैच करता है कि यहाँ ये वही है या फिर नहीं है। अगर वो पॉइंट मैच हो जाते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। लेकिन मैं बात करता हूँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पर यूज़ करने के लिए इन्हें बड़े बड़े डिवाइस लगा दिए जाते हैं जो कि LED बेस होते हैं, जिसमें से पिंक लाइट या फिर ब्लू लाइट निकलती है और आपके फेस पर डालती है और विद इन अ सेकेंड ये जज कर लिया जाता है कि कैसे ये किसका फेस है, कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब ये उसका फेस जज कर लिया और इसे कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद अब वो व्यक्ति अगर दोबारा उसके सामने आता है, बस विद इन अ सेकेंड बस खड़ा ही होता है उसके सामने, तो वो जज कर लेता है वही है और ईजिली उसका लॉक अनलॉक हो जाता है। अब ये यही ऐसे ही काम करता है, मतलब आपका एक फेस है, आपके फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन आईडी सिस्टम दिया गया है तो आप अपने फ़ोन में जाइए और उस पर फेस लॉक डाल दीजिए, तो वह पहले आपके फ़ोन की एक रियल इमेज लेगा, रियल इमेज में से जितना उसे कन्फर्म करना होगा वो कन्फर्म कर लेगा, फिर उसमें से उस आपके फेस पर पॉइंट बनाएगा, मतलब एक नोज पर बना दिया, एक गाल पर बना दिया, एक लिप पर बना दिया, कहीं पर डॉट डॉट करके पॉइंट्स बना देता है। पॉइंट्स बनाने के बाद आपके ऊपर सेव हो जाता है। लेकिन कभी कभी बार किसी का चेहरा अगर हेल्दी हो जाए या फिर पतला हो जाए तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए फिर उसने फेस रिकॉग्निशन में एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं स्किन टेम्परेचर के थ्रू ये आपकी स्किन का टेम्परेचर जज करता है, जो कि सेंसर के थ्रू ही होता है। टेम्परेचर को जज करने के बाद जो आपके स्किन पर जो हेयर होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो छोटे छोटे मुलायम रोम होते हैं, उनके बीच में जो गड्ढे होते हैं उन पर पॉइंट बनाता है, उनके बीच की डिस्टेंस और थिकनेस जानता है, जिससे आपका डेटा जो पॉइंट्स बनाए थे पहले फेस पर फिर आपकी जो स्किन पर, उसको दोनों को मिक्स करके ऐसा एक सिग्नल, ऐसा एक मतलब पाथ बना दिया जाता है जिससे आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, पूरे जज कर लिया जाता है कि यही हाँ वही व्यक्ति है। अगर आप सोचें कि आप टोपी लगा कर आ जाएँ या फिर चश्मा लगा लें तो भी वो जज कर लेगा क्योंकि अपना इतना एरिया आपने मैच कराया था, इतना एरिया आपने मैच कराया था। अब मैं आपको बता दूँ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका आजकल यूज़ किया जाता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वो सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बस आपकी वो गैलरी में एक पहले फोटो क्लिक कर लेगा, फिर उसके बाद वही फोटो को आपके फेस से मैच करेगा, मैच हो जाएगी तो फोन अनलॉक हो जाता है। ये इतना सिक्योर नहीं होता है, लेकिन आजकल इसका यूज़ किया जाता है आईफोन एक्स में,
आईफोन एक्स के बाद नोट 8 में और फिर S8 में, S8 प्लस में, और फिर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, और ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह है। मतलब आपकी, आपको फिंगरप्रिंट के बारे में वीडियो जानना है तो मैं पहले से ही अपने चैनल पर बना चुका हूँ। ये पूरे फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह ही है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट को मैच किया जाता है वैसे ही आपके फेस की आकृति को, फेस पे अगर एक पिंपल है उसकी आकृति को, फेस पे आपका अगर कोई नोज इतनी बड़ी है, नाक चौड़ी है, नाक पतली है, कान बड़ा है, ये कुछ भी हो, उसे सबको मैच करके किसी को डेटा का पैकेज बना लेता है, उस पैकेज को अपने फ़ोन में रखता है। जब आप किसी फ़ोन के सामने जाते हैं जिसमें आपने वो लॉक लगाया हुआ है तो ईजिली आपको फ़ोन को देखते ही आपको फ़ोन का अनलॉक कर देता है, जिसके थ्रू आपको बड़ी आसानी लगती है कि भाई यार क्या फीचर है। कोई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल अभी ये ओप्पो A75 आया है, A75S है, उसमें AI टेक्नोलॉजी बेस यही फेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि आने वाले अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में लॉन्च होगा तो मैं आपको शायद वीडियो के थ्रू भी बता देता हूँ। तो बताइए मुझे कमेंट्स में आप अभी कौन सा लॉक यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, और आप भी चाहते हैं कि एंड्रॉयड में भी इसे यूज़ करना है तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए डाउनलोड कर लीजिए, इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर हो सके तो, वैसे कोई बात ही नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये चैनल क्यों अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको हर चैनल से अलग करती है, जिसलिए आप टेक्निकल आशीष देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।